ऊर्जा विकास निगम और डिस्कॉम से जुड़े हुए सभी अधिकारी, सभी इसमें भाग ले रहे हमारे बैंकों के अधिकारीगण, सभी निर्माता इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। मैं सभी का स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से ये ऊर्जा विभाग मैंने संभाला है और उन्होंने जो जिम्मेदारी दी है हमारे ऊर्जा विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारी पदाधिकारी और सभी यहां बंधु मौजूद हैं, हम सब मिलकर के और ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस राजस्थान को इस ऊर्जा के संकट से उभारा जाए। राजस्थान में एक अपार ऊर्जा की संभावना है और ये हमें सूर्य देव का आशीर्वाद मिला है, हमें प्रकृति ने जो दिया है, सबसे बड़ा ये प्रदेश है। अभी हमारा पश्चिमी जो भूभाग है उसको ये समझते थे रेगिस्तान है, आज वही रेगिस्तान हमारे लिए वरदान साबित हो रहा है और वहां पर आप देखते हैं कि कई किलोमीटर तक आज सोलर और विंड जो हमें ये अक्षय ऊर्जा मिल रही है। इसी के साथ साथ ये पूरा हमें वहां तेल की भी जब खोज हुई तो वो भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए वरदान उस क्षेत्र में हुआ है। ये सब चीजें वहां पश्चिमी राजस्थान में मिल रही है, अब इसको हम बढ़ा रहे हैं। आज यहाँ कुसुम सी से जुड़े हुए कई हमारे ऐसे भागीदार जिन्होंने इसमें भाग लिया है और वो एक हमारे इस सरकार का सबसे बड़ी अभी तक की उपलब्धि भी रही है कि लगभग 4000 मेगावाट की कुसुम सी में सभी को ये जो जल्दी से जल्दी कार्यादेश भी दिए हैं अब वो धरातल पर उतरे। इसकी चिंता हमारे मुख्यमंत्री जी की भी है, हमारे पूरे विभाग के अधिकारियों की भी है कि कैसे हम जल्दी से जल्दी इसको धरातल पर उतारें। और मैं आज सभी इसमें किसान भाई भी भाग ले रहे हैं, सभी स्टेक होल्डर्स हैं, बैंकर्स हैं, निर्माता भी हैं, हम सब एक ही छत के नीचे ये आज अपनी अपनी इन प्रोडक्ट को लेकर के ये चिंता करें कि कैसे राजस्थान को हम जल्दी से जल्दी आने वाले समय में ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बना सकते हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मेरा विभाग इस आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है। आपको कभी भी कोई अच्छे सुझाव हैं, पॉजिटिव सुझाव हैं, किसी तरह की कोई समस्या है तो वो कभी भी आप संपर्क करेंगे, उसके लिए हम तत्परता से उसका समाधान करेंगे और उन समस्याओं के समाधान के साथ हम अपेक्षा करेंगे कि आप इसमें जितना जल्दी हो सकता है उतना इन प्रोजेक्ट को धरती पर उतारेंगे, जमीन पर उतारेंगे। तो इसमें आपका भी लाभ है, इस प्रदेश का भी लाभ है और हमारे किसानों को जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं कि दिन में उनको हमारे पंप्स चलें किसानों के, उनको दिन में बिजली मिले। और इसमें बहुत आवश्यक है कि हम सोलर को जल्दी से जल्दी जब जनरेशन पर लाएंगे तो तभी संभव हो पाएगा और इसमें निश्चित रूप से आप सभी की भागीदारी आवश्यक है। अगर कोई आपके इसके क्रियान्वयन में कोई समस्या आती है, कोई सुझाव आता है, वो भी आप यहाँ चर्चा करें, उसका भी हमें कोई सुझाव दें कि क्या ऐसा कोई सुझाव जिससे हम और जल्दी इसको धरातल पर उतार सकते हैं, तो उसमें भी हम निश्चित रूप से कोई नीतिगत बदलाव होगा तो उसमें भी हम करने में कभी कोई हिचकेंगे भी नहीं। हम ये चाहते हैं, हमारी ये इच्छा है कि जल्दी से जल्दी हम इसको धरातल पर भी उतारें। इसके साथ साथ जो आज हम यही नहीं, जितने हमने हमारे जो केंद्रीय उपक्रम हैं एक उनके साथ जो हमने MOU किए हैं उसकी भी आप सबको काफी आप जुड़े हुए रहे हैं, सबकी जानकारी भी है आपको और हम चाहते हैं कि ये वो भी योजनाएं हमारी जल्दी से जल्दी धरातल पर उतरे।
और उसी के लिए आज जो गेल इंडिया से और हमारा उत्पादन निगम के साथ जो ये MOU हुआ है, लगभग 8-10 साल हो गए होंगे हमारे गैस के संयंत्र नहीं चला पाते थे हम, इतना महंगी इनकी बिजली हमें मिलती है उसकी वजह से। लेकिन इस बार का टेम्परेचर आप सबने देखा है, गर्मी को देखा है और डिमांड भी देखिए, लगभग पिछले वर्षों से एकदम जहां 10-11% की डिमांड हमारी बढ़ती थी, इस बार 25-28% तक डिमांड बढ़ी है। और इसमें हमने प्रयास किए कि जिस भी माध्यम से हमें बिजली उत्पादित हो जाए, लेकिन देखा कि वो संभव नहीं हो पा रहा है, तो हमने ये गैस के संयंत्र भी हमारे चलाए और उसमें से ये निकल करके आया कि क्यों नहीं हम गेल के साथ, हमारे आलोक जी बहुत प्रयासरत रहते हैं कि कैसे हम हर उस क्षेत्र को, हम हर उस संभावना को तलाशें जहां से हमें जिस भी तरह से बिजली में हम उत्पादन ज्यादा कर सकते हैं और सस्ता भी कर सकते हैं। तो इसमें से ये गेल का आज जो MOU है, निश्चित रूप से ये भी राजस्थान में जो इनकी बिजली महंगी हमें आज उत्पन्न होती है उसको सस्ता करने में बहुत सहयोग होगा। आपस में मिलकर के दोनों जब उपक्रम काम करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। यही नहीं, इस राजस्थान को और भी आगे लेके जाना है तो हमें, मैं 2 दिन पहले ही हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मिले थे और उन्होंने कहा कि आपको जब तक आप स्टोरेज नहीं करोगे अब राजस्थान में, तब तक संभव नहीं है। हमने 2000 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज का भी हमारे बजट में घोषणा की है और मैंने उनसे आग्रह किया कि साहब आप स्टोरेज के लिए तो हमें कह रहे हैं, लेकिन हमारा राजस्थान की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर है, आप सहयोग की हमें आपसे अपेक्षा है। तो देखिए आप, ये डबल इंजन की सरकार हम इसलिए कहते हैं कि उन्होंने मेरे कहने के बाद 2 मिनट भी नहीं लगाया, उन्होंने कहा कि आपको क्या सहयोग चाहिए बताइए। मैंने कहा साहब हम 2000 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज करेंगे, उसके लिए आपसे हमें इसमें सहयोग 20% आपकी सहभागिता चाहिए। उन्होंने तुरंत हाँ की। मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उसमें 2000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज के लिए हमने केंद्र से सहयोग मिलेगा। ये हमें इस तरह से आज हमें 1000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली केंद्रीय एलोकेटेड कोटे से हमें मिल रही है। ये भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास हैं। उस दिन हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला भी थे, उन्होंने 265 मेगावाट का और हमें आदेश दे दिया। तो ये सब काम हमें केंद्र से भी सहयोग में मिल रहे हैं। ये मोदी जी की सरकार का भी राजस्थान की ये कोई इच्छा है कि राजस्थान आगे आए, ताकि हम राजस्थान के वर्षों से जो हमारी एनर्जी की जो डिमांड है, जो यहाँ जो काम नहीं हुए, उनको आगे के लेकर के जाएंगे। इसमें निश्चित रूप से केंद्र और राजस्थान की सरकार मिलकर के काम कर रही है और केंद्र और राजस्थान के उपक्रम भी आपस में मिलकर के इसको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं केंद्रीय उपक्रमों का भी, हमारे केंद्र सरकार का भी और हमारे लिए जो प्रयास कर रहे हैं, मैं सभी हमारे यहाँ ऊर्जा विभाग से जुड़े हुए अधिकारी भी हैं, हम सबकी ये चिंता है कि कैसे जल्दी से जल्दी इस राजस्थान को ऊर्जा के इस डेफिसिट से ऊर्जा उत्पादन में अग्रणीय बनाए, हम ऊर्जा को खरीदने वाला प्रदेश नहीं ऊर्जा बेचने वाला प्रदेश बने, ताकि आने वाले समय में हम राजस्थान में जो हमारे यहाँ से उत्पादन होती है सोलर, जो वो कई प्रदेशों को जाती है यहाँ से, और हम अपनी मांग को पूरा नहीं कर पाते हैं, अब वो समय भी आया है कि हम यहाँ से उत्पादन भी करेंगे, अपनी मांग भी पूरा करेंगे और उसके माध्यम से हम उसको बेच करके और अपना राजस्थान जो आज इसमें पिछड़ा हुआ है वो अग्रणीय भी बनेगा। हम पूरे देश को राजस्थान से उत्पादन करके ऊर्जा देने के वाला प्रदेश बनेगा, ऐसा हमारे यहाँ अपार संभावना है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इसकी त्वरित गति से हमारी जो योजना है वो धरातल पर उतरेगी और राजस्थान अग्रणी भी बनेगा। मैं आपको बताऊं कि आज जो यहाँ पार्टिसिपेशन हो रहा है उसमें हमारे जो यहाँ पर बंधु भाग ले रहे हैं उसमें बैंकर्स जो है, फाइनेंशियर जो है, लगभग 62 उनके रजिस्ट्रेशन हुए हैं जो यहाँ भाग ले रहे हैं।
हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं वो 37 लोग यहाँ भाग ले रहे हैं। इसी तरह से डिस्कॉम के 193 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। डेवलपर्स हैं वो 190 यहाँ भाग ले रहे हैं इसमें। सोलर एसोसिएशन के भी 30 बंधु यहाँ पर हैं। आरआरईसी के 57 हैं। बिजनेस जो सेक्टर है उससे 25 लोग हैं, अदर 147 हैं। लगभग 900 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है जो इसमें भाग लेकर के, और आज इसको सफल भी बना रहे हैं। और इस एक ही जगह सभी आपको बैंकर्स की भी जो एक समस्या हमारे जो चाहे वो इसमें स्टेक होल्डर्स को रहती है, डेवलपर्स को रहती है, तो उस पर भी समाधान यहाँ हो, ताकि हम जितना सुगमता के साथ में